हेलो फ्रेंड्स, 19 अक्टूबर की न्यूज़ लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ सुपर सिटी एजुकेशन ऐप के इस चैनल पर। आज आप लोग कुछ नया देख रहे होंगे, आपको थंबनेल नया मिला है। मैंने आज कोशिश की कुछ मैं चेंज करूँ, कुछ बदलूँ, क्योंकि आप लोग के फीडबैक और रिस्पांस थोड़े से कम आ रहे थे। मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने चीज़ों को बदला है और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं। जैसे कि मैं अब हर सेशन में आपको स्टेट डिस्कस करूँगा, पर स्टेट की पूरी पूरी डिटेल्स जितनी भी हो सकती है मेरे लिए पॉसिबल आपको भी प्रोवाइड कर सकूँ वो मैं पूरी दूंगा। वो लास्ट सेशन के लास्ट में मैंने देखिए रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको थंबनेल पे देख रहे होंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश और सिर्फ सारी डिटेल ऐसे नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को, बट हम जब नेक्स्ट एंड करेंगे उस समय सेशन, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन फिर से उसी तरीके से, स्टार्टिंग में MCQs, फिर न्यूज़, फिर लास्ट में ये स्टैटिक पोर्शन जो मैंने ऐड किया है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला हमारा MCQ है यहाँ पे, भारत और अमेरिका के बीच, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा अपनी पेन सही कर लो। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास .. का 10वां संस्करण शुरू किया गया है। इंडिया और US के बीच अभी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है, जिसका मैंने आपको उसके बारे में कल बताया था, तो वो है ई वज्र प्रहार। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था ई कोवरिंग हमारी किसके साथ होती है, इंडिया और मालदीव के साथ। ठीक है, सहयोग ह्यूब्लियोग इंडिया और कोरिया के साथ, और मैत्री जो होती है हमारी वो थाईलैंड के साथ होती है एक्सरसाइज। अजय वॉरियर आप लोगों को मैं बता दूँ, UK के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज ये, तो ऐसी इस तरीके से। वज्र प्रहार मैंने अभी अभी आपने देखा अमेरिका के साथ होती है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कल के सेशन में आप लोग को एक, जैसे आज मैंने जो लिस्ट ऐड की है, मैं जो पढ़ाऊँगा वो देखिएगा, वो तो अलग चीज़ है। कल के सेशन में आप लोग के लिए ये जो इंपॉर्टेंट अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग आपकी ये जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो मैं आपको दूंगा एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि आप लोग प्रिपेयर कर सके, याद हो सके आप लोगों को। ठीक है, अगले MCQ पे चलते हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय महिला टीम को 100 जीत दिलाने वाली पहली कप्तान बन गई। कल मैंने आप लोगों को न्यूज़ बताई थी। देखिए, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का नाम अगर आपका सबसे पहला नाम जो सबसे ऊपर, इन्हें अगर हम इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा है कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब तक इनसे ऊपर किसी महिला ने उस क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में अच्छा नहीं किया। तो मिताली राज ही हैं हमारे इस समय की करंट कैप्टन वनडे और टेस्ट की। ठीक है, स्मृति मंडाना भी यंग प्लेयर हैं, PV सिंधु को आपको जानते हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं जिन ऊंचा नाम है, और मंजू रानी जो भी हाल ही में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मतलब बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट, लियोनेल मेसी ने 6ठा गोल्डन शू अवार्ड जीता है, वह किस देश से हैं। कल ही मैंने न्यूज़ डिस्कस की थी, उन्होंने 6th गोल्डन शू उनको मिला है, और वो किस देश से हैं, तो वो अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स, और करेंसी वहाँ क्या है, पीसो। ठीक है, नेक्स्ट टू, पहले इसके घाना की कैपिटल क्या है, अक्रा ACCRA। ठीक है, और वहाँ की वो क्या कहते हैं, करेंसी क्या है, सेडी CEDI। स्पेन की क्या है, कोई बता सकते हैं हमको, स्पेन की हो जाएगी आपकी मैड्रिड। ठीक है, करेंसी यूरो। जर्मनी क्या है, बर्लिन, करेंसी यूरो। और ब्राज़ील की क्या है, ब्राज़ीलिया, और करेंसी रियल। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक एक करके बताता हूँ, तो आप लोग सुनते जाया करिए, वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन करते जाया करिए, वो बेहतर होगा। थोड़ा सा लिखने वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ बट वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, फिर भी चलिए देखते हैं आगे। .. के 17 वर्षीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने लिस्ट एक वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। कहाँ के हैं ये, कहाँ से खेलते हैं, वो मुंबई महाराष्ट्र से खेलते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के CM कौन है, देवेंद्र फडणवीस, और वहाँ के गवर्नर कौन है, मैंने आप लोगों को पहले भी नहीं बताया था, भगत सिंह कोश्यारी। क्या, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कोलकाता, एक मिनट, कोलकाता आपका कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के CM आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारी मतलब जिनको दीदी के नाम से जो मशहूर हैं आप लोग जानते होंगे, ममता बनर्जी। और वहाँ के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। पंजाब के क्या कहते हैं, गवर्नर कौन है हमारे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वहाँ के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और वहाँ के गवर्नर है VP सिंह बदनौर। गुजरात के कौन है, विजय रूपानी CM है, और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और कर्नाटका के कौन है, CM आपके हैं, जस्ट ए मिनट, कर्नाटका के CM, एक्चुअली कई चीज़ें साथ में आती हैं ना तो चीज़ें स्किप होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, कर्नाटका के CM है आपके BS येदियुरप्पा। ठीक है, और वहाँ के गवर्नर आप लोगों को पता है वाजुभाई वाला, VV के नाम से उनको जानिए, वाजुभाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट, मर्सिडीज वॉल्टरी बोटास वन द 2019 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ही इज फ्रॉम विच कंट्री, वो किस कंट्री से हैं, मैंने कल आप लोगों को बताया नहीं था, तो आज जान लीजिए वो फिनलैंड से हैं। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, कैनबरा।
नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, स्विट्जरलैंड कैपिटल क्या है, बर्लिन, और इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, लंदन। अब इन सब की करेंसी जो आप लोगों के लिए होमवर्क होगी, करेंसी खोज करके कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका कमेंट करेंगे, ठीक है। भारतीय वायुसेना रॉयल एयरफोर्स ओमान के साथ डॉट 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 नामक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास में भाग लेगी। तो कौन सी एक्सरसाइज है जो कल ही भी शुरू हुई है, उसका नाम क्या है, ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। बजट प्रकार किसके साथ, अमेरिका के साथ, मैत्री के साथ, थाईलैंड के साथ है, सहयोग ह्यूब्लियो किसके साथ है, कोरिया के साथ, और इक्वेरियन किसके साथ है, इंडिया और मालदीव के साथ है, ठीक है। मैंने पिछले बताया था इसलिए मैं तीस थोड़ा सा बता दिया इसको, पीछे बताया था मैंने इसको। नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2019 जारी किया है। भारत में सर्वाधिक अभिनय प्रमुख राज्य हैं, कौन सा है, कर्नाटक है, ठीक है। उसमें तमिलनाडु वगैरह दूसरे तीसरे पे, तमिलनाडु केरल दूसरे तीसरे पे हैं, ठीक है। गुजरात के सीएम फिर आप लोग एक बार देखते हैं हम लोग कौन है, विजय रूपानी जी हैं, और गवर्नर आपके गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। पंजाब के सीएम हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वहाँ के वीएस बदनौर। तमिलनाडु के आपके सीएम जो हैं आपके हैं हाँ थिरु एड़ापट्टी के पल्लानी स्वामी, के पल्लानी स्वामी के नाम से खाली आप लोग जानिए। तमिलनाडु के जो सीएम हैं के पल्लानी स्वामी हैं, और वहाँ के जो गवर्नर है वो बनवारीलाल पुरोहित हैं, ठीक है। और केरला के जो सीएम हैं, केरला के सीएम हैं पिनराई विजयन, और वहाँ के अभी नए नए गवर्नर नियुक्त हुए, मैंने उस दिन बताया था आपको, आरिफ मोहम्मद अलवी, केरला के सीएम कौन है, आरिफ मोहम्मद अलवी, ठीक है। नेक्स्ट, कवर सिंह जॉली हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, ही इज़ व्हाट, वो क्या थे, कवर सिंह जॉली, मैंने आप लोग बताया था एक ऑबिचुरी कल ये हुई है, और इसको बस पढ़ लीजिए आप लोग, तो आज वापस से नाम आया सामने तो आप लोग याद होगा, हिंदी में लिखा था वरिष्ठ पत्रकार, वेटरन रिपोर्टर, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट रोबोट रेस्टोरेंट हैज़ बिन ओपेंड इन, कल की न्यूज़ में मैंने गलती से वहाँ बेंगलोर लिख दिया था, जबकि उड़ीसा में, बेंगलोर में नहीं भुवनेश्वर में हुआ है वो, ठीक है, रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो यहाँ पर उड़ीसा लिख लीजिए। उड़ीसा के हमारे वो क्या कहते हैं सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, और वहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन जो यूरोपियन नेशंस जो समिट हुई थी, कहाँ हुई थी, बेल्जियम ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अजरबैजान एक कंट्री का नाम है, उसकी कैपिटल बाकू है। कनाडा कंट्री का नाम है, उसकी कैपिटल ओटवा है। डेनमार्क कंट्री का नाम है, उसकी जो कैपिटल है कोपेनहेगन है। और इस्टोनिया कंट्री का नाम है, उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, तल्लीन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप आज की न्यूज़ पर आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूएई लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब यूएई ने, यूएई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनी है, जहाँ पर ये शोध किया जाएगा इंटेलिजेंस पर, बुद्धिमत्ता पर सोच किया जाएगा, सोचने के तरीकों पर, इन सब चीज़ों पर। द मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। वहाँ पे करेंसी क्या चलती है, दिरहम, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलीपींस की यात्रा पर हैं, उन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते से मुलाकात की। फिलीपींस के राष्ट्रपति क्या है, रोड्रिगो दुर्तेते, ये चीज़ बहुत ही ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये चीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि रामनाथ कोविंद अभी हाल में कहाँ गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि भाई करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है इसलिए आ सकता है। फिलीपींस की राजधानी मैंने आप लोग क्या बताई थी, मनीला है। उससे ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में। ऐसे इंटरलिंक करके याद करते रहिए आप लोग, ठीक है। मंडालोयंग मेट्रो मनीला फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, रोड्रिगो दुर्तेते। और यहाँ पे एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट मैंने नीचे दी है कि दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें क्या है, समुद्र अधिकार, सुरक्षा, पर्यटन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति भी शामिल है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो लड़कियों के लिए जो सरकार नए नए कदम उठा रही है, उसमें भी एक ये है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़कियों को सैनिक स्कूलों में वर्ष 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से प्रवेश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, मतलब अब लड़कियां भी सैनिक स्कूलों में पढ़ सकती है, इस चीज़ की मंजूरी रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने दी है। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो कहाँ से, क्या है, हमारे रक्षा मंत्री कहाँ से, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी। लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आपके, चलिए मैं आगे स्टार्टिंग में आगे है ही आज के सेशन में, तो आगे ही डिस्कस कर लूँगा यहाँ का। फोर्थ न्यूज़ है, न्यूज़ ऑन एयर से ली गई है। आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF की ग्रे सूची में पाकिस्तान 2020 तक बना रहेगा। मतलब ये एक ऐसी सूची होती है जिसमें उन कंट्रीज़ को लाया जाता है जो कि टेररिज्म को मतलब बढ़ावा देती हैं पूरे विश्व में। तो क्या बोला है कि आतंकवादी गतिविधियों को ये लोग धन मुहैया कराते हैं, ऐसी जो सस्पेंसिव कंट्रीज़ होती हैं उनको इस लिस्ट में रखा जाता है। तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान 2020 तक इस लिस्ट में रखा ही जाएगा, ऐसा FATF जो संस्था है उसने कहा है, उसने ऐसा न्यूज़ अपनी जारी की है।
बांग्लादेश के विश्वविख्यात चित्रकार कालिदास कर्माकर का आज ढाका में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। केवल आप इतना याद करिए कि बांग्लादेश के विश्वविख्यात चित्रकार कालिदास कर्माकर का की डेथ हो चुकी है, ठीक है। बाकी उसके अलावा और बहुत कुछ ज़्यादा उसने पूछना नहीं है। बांग्लादेश के वेटरन जो विश्वविख्यात चित्रकार थे कालिदास कर्माकर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, वर्ष 2019 की गणना के मुताबिक देश में पशुधन की संख्या वर्ष 2012 की तुलना में 4.6% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में गायों की जनसंख्या 18% बढ़कर 1,45,00,000 हो गई है। पशुधन में सबसे ज़्यादा 23% वृद्धि पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई है। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। मतलब अब जो यहाँ पर हमारे पास वाइल्ड लाइफ जो हमारी है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। ये पशुधन जो है हमारा गाय वगैरह जिनकी गिनती हुई, जिनकी सेंसस हुई, उसमें ये बढ़ोतरी पाई गई है। ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? याद रखिए आप लोग उधमपुर से हैं, ठीक है। और जो एक सटीक रूप में याद करें, इनकी इनके पास इतने ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं मंत्रालय हैं जिसको याद होना सा मुश्किल है, तो आप इतना याद रखिए कि प्रधानमंत्री जी के जो मैक्सिमम मंत्रालय हैं उनका उनके मतलब क्योंकि वो तो पीएम है, उनके पास तो वक्त रहेगा नहीं, इसलिए उनके अंडर में मतलब एज ए राज्यसभा मंत्री ये कार्य करें उनके सारे मंत्रालय में करीब करीब में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 11वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का विषय क्या है, परमाणु ऊर्जा का अर्थशास्त्र। और इन्होंने भाभा जिन जो मतलब भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा कि उनका जो देखा गया सपना था वो धीरे धीरे भारत पूरा करता जा रहा है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सेंट्रल ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज मंत्री हैं एवं और प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। ये इनके पास ये मंत्रालय कहाँ से, उधमपुर से हैं। नेक्स्ट, अब देखिए अक्टूबर के डेज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इनको। अक्टूबर मंथ में जितने डेज पड़े तो मैं एक दो तीन दिन इनको रिपीट कराऊंगा तो ये लर्न हो जाएगा आप लोगों, ठीक है। 1 अक्टूबर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस इंटरनेशनल ओल्ड एज डेज, ठीक है। 2 अक्टूबर क्या था, हम लोग सभी लोग जानते हैं गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर क्या था, विश्व पशु दिवस वर्ल्ड कैटल डेज, ठीक है। 5 अक्टूबर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस 5 सितंबर को हम भारत को मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। और ये इंटरनेशनल टीचर्स डे जो होता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावास दिवस मतलब वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को, ठीक है। 8 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस। और 63वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, 63वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स डे अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इमिग्रेटरी बर्ड्स डे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये वाला, ये दोनों डेज, ठीक है। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट डे, ठीक है, आपदा न्यूनीकरण दिवस। और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, विश्व विद्यार्थी दिवस। बाकी दो तीन जो मैं इधर पढ़ाया वो यहाँ पर नीचे जगह नीचे से मैं नहीं दिया हूँ, उसको आप लोग पिछले न्यूज़ से देख लीजिए। अदरवाइज़ फिर मैं जब इसको रिवीजन धीरे धीरे कराता रहूँगा तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। इसमें से 5-5 डेज उठा करके मैं आप धीरे से एमसीक्यू में डालता रहूँगा जिससे आपको ये सब लर्न होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब यहाँ पे। हाँ, अभी हमारा देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया एक एक करके मैं ऐड रखूँगा। उत्तर प्रदेश आज का हमारा जो है राज्य है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने राज्य से ही बोल रहे हैं इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी लखनऊ जो कि लार्जेस्ट सिटी भी है यहाँ की है। रिवर बैंक गोमती नदी किनारे बसा हुआ ये। CM यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ 75 है। डांस यहाँ कथक है। डांस क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय नृत्य जो है कथक है। लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो यहाँ का मुख्य हाईकोर्ट है, जुडिशियल जो है हमारी जुडिशरी है इलाहाबाद ही है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस गोविंद माथुर है जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस में है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हमारी। बॉर्डर स्टेट ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, किन किन राज्यों से हमारा उत्तर प्रदेश घिरा हुआ है। तो पहले राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इतने राज्य हैं जिनसे घिरा हुआ। और एक कंट्री भी है उसमें नेपाल है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों ने आज इसके बारे में पढ़ी। अभी और भी है, अभी ख़त्म नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में। आप लोग जब मैं शुरू में स्लाइड करता हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। द स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया। 9 स्टेट और यूनियन टेरेटरी बॉर्डर से ये हमारा इकलौता स्टेट है जो मतलब अपनी मतलब बाउंड्री शेयर करता है। सबसे अधिक राज्यों और यूनियन टेरेटरीज द्वारा शेयर कर किया जाने वाला ये स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, बहुत ध्यान सुनिएगा। दुधवा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, नरोरा ऑटोमेटिक पावर स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दो हमारे टाइगर रिजर्व हैं हमारे यहाँ। और लेजिस्लेचर यहाँ की जो है बाई कैमरल है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा भी जिसकी 404 सीट है और विधान परिषद भी जिसकी 100 सीट है। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आज हमने उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ी। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर किया करिए वीडियोस को मेरी, ताकि मुझे आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलती रहे और ऐसे मैं कुछ ना कुछ रोज़ नया नया करते रहूँ, नया नया आपके लिए लाते रहूँ। संडे आपके लिए स्पेशल रहेगा, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, केवल करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं और भी चीज़ों से रिलेटेड। हम लोग आपके लिए वीडियोज़ लेके आएंगे, छोटी छोटी ही सही लेकिन अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। तो तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।